जीपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशुकिन कुरेशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। आज जीपीएन 7 न्यूज चैनल की टीम पहुंची है अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव फतेहपुर में। आज फतेहपुर देव फतेहपुर अधेग इस गांव को कहा जाता है और आपको बता दूं यहां पर खागी समाज का वर्चस्व है। खागी समाज, खड़गवंशी समाज यहां हर चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाता है। उनकी राय में जानेंगे यहां उनका सांसद कौन होना चाहिए और अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में एक अहम और ज्वलंत मुद्दा लगातार जनता की ओर से आ रहा है, जनता की मांग आ रही है कि उनका सांसद, उनका एमपी क्षेत्रीय होना चाहिए। इस बार यहां की जनता बाहरी लोगों को, बाहरी दावेदारों को सबक सिखाने वाली है। जानेंगे उनसे यहां की जनता की राय में, यहां के खड़गवंशी समाज की राय में उनका नेता, उनका सांसद कैसा होना चाहिए। आइए जानते हैं यहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। जी, आपका नाम? मेरा नाम श्याम सिंह। पूरा नाम क्या आपका? श्याम सिंह। श्याम सिंह खड़गवंशी जी, जी जानना चाहूंगा आपसे, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और एक बड़ा अहम मुद्दा यहाँ पर है कि जनता चाह रही है कि हमारा सांसद क्षेत्रीय होना चाहिए, लेकिन बहुत सी पार्टियां हैं बाहरी प्रत्याशियों को अपना टिकट देती हैं और वो जीतकर चले जाते हैं, फिर यहाँ की आवाम उनको ढूंढती रह जाती है। ऐसे में मेरा बड़ा सवाल है कि आपकी राय में आपका सांसद बाहर का होना चाहिए, क्षेत्रीय होना चाहिए? नहीं, क्षेत्रीय होना चाहिए। क्षेत्रीय होना चाहिए। क्षेत्र में क्यों होना चाहिए? क्षेत्रीय होना चाहिए, मतलब यहाँ देखभाल करे आकर नहीं है। अभी दानिशाली थे, उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। उन्हें यह भी ना पता कि कौन से गांव से मैं या कहां से क्या है मैं सांसद बनाऊं। जी, ठीक है, ये बताइए आपकी राय में आपका सांसद बनने योग्य कौन नेता है अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में? तो सांसद बनने योग्य तो काफी है, वैसे जो भी है हमारे सरजीत सिंह बढ़िया नेता है। अच्छा, वही क्यों? नहीं, उनके काम ठीक ठाक है, हमारे गाँव में काम कराया उन्होंने। क्या क्या काम कराया? हमारे यहाँ आरसीसी डलवाई है जी। क्या और भी काफी देखरेख करते हैं। अच्छा, काफी देखरेख करते हैं। चलिए जी, आपका नाम? ऋषिपाल। ऋषिपाल जी, क्या इस बार फिर से आप, क्योंकि 10 साल से अमरोहा लोकसभा क्षेत्र पर बाहर का ही एमपी बनता आ रहा है, बाहर के ही लोग एमपी बन रहे हैं, क्या इस बार अमरोहा क्षेत्रीय सांसद चुनेंगे आप? हाँ, चुनेंगे। क्यों? क्योंकि धोरे परोस का होना चाहिए ना जी नेता। थोड़ा आगे आजिए, थोड़ा आगे आजिए। धोरे परोस का नेता होना चाहिए। अच्छा, आपकी राय में आपका क्षेत्रीय नेता, आपको एमपी बनने योग्य नेता कौन लगता है अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में? सरजीत सिंह। क्यों? यहाँ काम कराया उन्होंने हमारे गांव में, आरसीसी की बताइए, दानिश अली ने आज तक गांव में आके देखा भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, सरजीत सिंह की बात कर रहे हैं, इन्होंने भी सरजीत सिंह का नाम लिया, आपने भी सरजीत सिंह का नाम लिया, क्या आपके सुख दुख में रहते हैं, साथ देते हैं आपके? गांव घूमने आते हैं आप, नेता भी ना तो अभी घूमने आते हैं। अच्छा, नेता भी नहीं है, इन्होंने कहा कि नेता भी नहीं है लेकिन अभी भी वो यहाँ आते हैं, इनके सुख दुख में शरीक रहते हैं। आपसे जाना चाहूंगा, आपका नाम? सत्यवीर सिंह। सत्यवीर सिंह जी, 10 सालों से आप बाहर के सांसद, आप पर आपके जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, क्या फिर से बाहर का सांसद चुनेंगे? बिल्कुल नहीं। किसको चुनेंगे इस बार? जी, सरजीत सिंह। सरजीत सिंह क्यों? जी, उन्होंने हमारे यहाँ विकास कराया है। जी, क्या विकास किया है? आरसीसी पढ़वाई है 200 मीटर। जी, 300 मीटर और भी वैसे भी आते रहते हैं वो। अच्छा, वही क्यों? और भी तो नेता हैं बहुत सारे, दूर के हैं वो, इस वजह से नहीं आते, उन्हें क्या पता कहाँ से कितना वोट मिला है। तो उन्हीं को क्यों चुनेंगे आप? जी, विकास करा हमें, देखते हैं बस आगे और क्या, गाँव में अपने घूमते हैं आगे। जिन सब पकड़ते हैं आप लोगों से कनेक्ट रहते हैं, मिलते रहते हैं। चलिए, आपसे बात करूंगा सर, आपका नाम? चंद्रसेन जी, 10 सालों से बाहर के सांसद आते हैं, आपके वोट लेते हैं और चले जाते हैं, जनता की समस्याओं से उनको कोई सरोकार नहीं रहता, क्या इस बार बाहर का सांसद फिर से चुनेंगे? मैं नहीं, यहीं का चुनूंगा। सरजीत सिंह। सरजीत सिंह क्यों? सरजीत सिंह को ही देंगे वोट। ऐसा क्यों? पड़ोस के हैं, और भी तो लोग हैं, भाजपा से हैं, गठबंधन से हैं, देखी जाएगी। अब की बार सरजीत सिंह को देंगे, इस बार सरजीत सिंह को। चलिए, देखा, जैसा आपने देखा कि ये फतेहपुर मेघ गांव में समाजवादी पार्टी से अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं सरजीत सिंह, ये खागी समाज उनको समर्थन करने का बात कर रहा है, उनको वोट देने की बात कर रहा है इस बार, और सीधे तौर पर खड़गवंशी समाज हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं पूरे अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाता है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं हर चुनाव को प्रभावित करता है। लोकसभा, अपना एमपी लोकसभा में किसी भी चुनाव में अपना एमपी बना सकता है, अपना विधायक बना सकता है। मैं आशिकिन कुरेशी, फिर मिलूंगा आपके साथ
नए मुद्दे के साथ, नए लोगों के साथ, नए क्षेत्र के साथ। तब तक देखते रहिए जीपीएन 7 न्यूज, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही।